दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आचार्य चाणक्य का नाम शास्त्रों में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है और चाणक्य नीति वचन दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों चाणक्य पटिल पुत्र के विद्वान थे जिन्होंने इंसान के जीवन को लेकर बहुत सारी बातें अपने नीति वचनों में लिखी हैं जिनको अमल में लाकर जिंदगी को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य के दिमाग का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इनके कथन को झुठलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों दैनिक जीवन के लिए चाणक्य नीति के अनुसार बताई गई बातों में दिन की शुरुआत से ही नियमों का पालन करें तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। दोस्तों आज के चाणक्य नीति के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार सुबह उठकर कौन सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह किसी गलत चीज़ को दिख जाए तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है और सुबह उठते ही इन चीज़ों को देखने से बचना चाहिए। कौन सी वे चीज़ें हैं आइए जानते हैं उनके बारे में वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला पॉइंट है आईना देखना। जी हाँ दोस्तों अक्सर देखा गया है कि सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखते हैं। ऐसा करना उनकी आम आदतों में शुमार हो सकता है और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर आईना देखना दुर्भाग्य का कारक है। दोस्तों जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ पूरे दिन नकारात्मक चीज़ें घटती हैं, उसका पूरा दिन खराब जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह ये अशुभ काम ना करें, पूरे दिन के बारे में सोच विचार कर ही आईने की तरफ जाएं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है लड़ाई। जी हाँ दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार सुबह सुबह अगर खुद की किसी से लड़ाई हो जाए तो बहुत गलत बात है। लेकिन साथ ही अगर सुबह उठते ही आप किसी बंदर या कुत्ते की लड़ाई देखने को मिल जाए तो ये बेहद अशुभ है। ऐसा देखने से अनुमान लगा लीजिए कि आपका दिन संकट में हो सकता है। इसलिए सुबह सुबह अगर ऐसा कोई घटना देखने को मिले तो वहाँ से दूर हो जाएं, इसी में ही आपकी भलाई है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है किसी का चेहरा। जी हाँ दोस्तों चाणक्य की नीति के अनुसार सुबह उठते ही जिस प्रकार आईने में अपना चेहरा देखने से बचना चाहिए उसी तरह किसी और का चेहरा देखने से भी बचना चाहिए। पूरा दिन ये सोचने के बजाय कि किसका चेहरा देखकर उठे, अच्छा है कि दिन की शुरुआत इष्ट देव का ध्यान करके करना चाहिए। दोस्तों ईश्वर का नाम और स्मरण एक साथ करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है पशु या गांव का नाम। जी हाँ दोस्तों चाणक्य की नीति के अनुसार सुबह का नाश्ता दिन भर आपको उत्साहित रखता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सुबह सुबह नाश्ते के वक्त या नाश्ते से पहले किसी पशु या गांव का नाम ना लें, इसलिए ऐसा करने से बचें और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर अपनी हथेलियों को जोड़कर देखना शुभ होता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार हमारे पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट स्टे फियरलेस। जय हिंद।